बिसम राय स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई से वेलकम टू टू ऑल ऑफ यू सेशन स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन रादर आई राइ से टू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ द शॉर्ट स्टोरी शरडनी वास्टर रिटन बाई सकी स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये इससे पहले मैं दो वीडियोज़ और भी अपलोड कर चुका हूँ श्रड्नि वास्टर पर आज ये सिलसिले की तीसरी या गलबा चौथी वीडियो है इसमें मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए जो क्वेश्चन हैं ना वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आजकल क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बारह हार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप पार्ट टू जो है वो वीडियो को आमतौर पर नहीं डालते इनफैक्ट इसमें थोड़ी सी अगर मैं फेयरली बात करूँ तो वो उसकी वजह ये है कि ये चूँकि मेरी बुक का मटीरियल है आई एम आल्सो राइटर तो ये इस बुक का मटीरियल है तो उसको फिर थोड़ा सा महदूद रखा जाता है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है और ये जो स्टूडेंट्स मेरा मटीरियल होता है ये कॉपी पेस्ट नहीं है मैं आपको एक बात बता दूँ आमतौर तौर पर हमारे बहुत से यहाँ पर राइटर्स जो हैं या वीडियो बनाने वाले जो हैं वो मुख्तल सोर्स से कापी पेस्ट करते हैं लेकिन ये कापी पेस्ट मटीरियल नहीं होता मेरा मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है या उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनके लेवल पे जाके सिंपल मगर स्टैंडर्ड मटेरियल में हमेशा मैं बुक्स लिखता हूँ और यही वजह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बार हाथ जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इसका इन वीडियोज़ के जो क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड कर दीजिए तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव टेकन ऑल दिस पेन तो आप स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए और ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहे स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक बार ये 2018 एनुअल में आया है ये क्वेश्चन इसी तरह का मिलता जुलता सवाल जो है ये 2019 के एनुअल में भी आया है पंजाब यूनिवर्सिटी में सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इससे पहले वाली वीडियोस के लिंक में इस वीडियो के मैं अंदर डाल दूंगा इसकी समरी स्टूडेंट्स आप याद रखिए हमेशा याद रखिए बेटे ये एक एडवाइजेबल चीज़ है कि वेन एवर यू वेन यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज़ स्टोरी या वन आवर यू वॉन्ट टू मेक अ करिडिकल एनालिसिस ऑफ एनी शॉर्ट स्टोरी और एनी पीस ऑफ राइटिंग यू मस्ट है समरी ऑफ दैट स्टोरी इन योर माइंड क्लियरली तो ऑन दिस बेसिस जो है यू आर इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द क्रिडिकल एनालिसिस बींग मेड तो इसके लिए बड़े ज़रूरी होता है ये एक एडवाइजेबल चीज़ है हमेशा समरी पहले याद किया करें याद रखें स्टोरी की समरी अच्छी तरह याद किया करें फिर करैक्टर्स याद किया करें फिर जो है आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को टच किया करें तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस स्टोरी की आपके मैं लिए पेश कर सकूँ तो ये स्टोरी स्टूडेंट्स है इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को पहले हम देख लेते हैं सवाल है के स्टेटमेंट है जनाब के कॉन्डन इन द शॉर्ट स्टोरी ये यानी कॉन्डन जो है वो इस कहानी का एक सेंट्रल करेक्टर है और आ, शरण वास्टर का इज़ अ सेंसिटिव चाइल्ड वो एक सेंसिटिव बच्चा है इसमें तो कोई शुभ नहीं कि वो सेंसिटिव चाइल्ड है कॉनरेडन मैंने आपको बताया था लास्ट स्टोरीज़ में कि एक चाइल्ड है और टेन इयर्स ओल्ड चाइल्ड है उसके पेरेंट्स यहाँ पे इस कहने के अंदर नहीं दिखाए गए ऐसे लगता है कि वो यतीम है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बीमार है और एक मसला उस बेचारे के लिए ये भी है कि वो जिस खातून के पास रहता है जो कि इसकी गार्डियन है मिसेस डी रोप वो क्रूअल है वो केयरिंग नहीं है लविंग नहीं है और कंसड्रेट नहीं है उसका ख्याल नहीं रखती है बल्कि वो गाहे बगाहे उसको टॉन्ट करती रहती है तनस करती रहती है हालांकि इस तरह के बच्चे जो सेंसिटिव चाइल्ड होते हैं वो तवज्जो के तलब होते हैं और हमदर्दी के मस्हक होते हैं लेकिन हमदर्दी करने की बजाय वो ख़ातून जो है उसे बार बार टोकती है रोकती है इंट्रप्शन करती है और उसकी जो एक ह्यूमन फ्रीडम होती है ना बेसिक ह्यूमन फ्रीडम उसको भी वो रोकती रहती है डोमिनरिंग है बड़ी वो बाख्तियार औरत है और रूपदार औरत है तो बच्चे को प्रेशराइज करके रखती है बच्चा टेंशन में है इस लिहाज से तो इस लिहाज से बच्चा सेंसिटिव तो है तो अगर आपको ये सवाल आता है तो आप उसकी सेंसिटिविटी पे एक पैर लिखिए एंड हु यूज इज एक्टिव इमेजिनेशन और ये है कि वो अपनी एक्टिव इमेजिनेशन को इस्तेमाल करता है अब एक्टिव इमेजिनेशन जो है ये थोड़ा सा वादा तलब पॉइंट है इमेजिनेशन आप जानते हैं तस्वर को कहते हैं ख्याल को कहते हैं और ख्यालों में ज़्यादा डूबा रहना जो है वो एक्टिव इमेजिनेशन कहलाता है जब वो अपने ख्याल का अपने इमेजिनेशन का जब वो बेचारा ज़्यादा सहारा लेता है और बहुत कुछ सोचता है वो और इस एक्टिव इमेजिनेशन का एक पहलू देखेंगे आगे चल कर टू टू डील ये सॉरी ये आइडियल लफ्ज लिख दिया गया गलती से ये आइडियल नहीं है डील है तो डील विद द पेनफुल सिचुएशन इस पेनफुल सिचुएशन से निपटने के लिए पेनफुल सिचुएशन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सारी बात है कि बच्चा पेनफुल सूरत आज में एक तो वो सेंसिटिव है सेंसिटिविटी मैंने आपको उसकी बता दी किस वजह से है क्यों सेंसिटिव है पेनफुल सिचुएशन ये है कि वो बेचारा जो है आज़ादी चाहता है एंटरटेनमेंट चाहता है उसके पास कोई कज़न नहीं है छोटा को बच्चा नहीं उसकी उम्र का जिसके साथ खेलता हो या उसका कोई बहन भाई नहीं है जो उसका कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर दिखाया गया हुआ है उसे इस तरह कहीं मूव नहीं करने दिया जाता है कि उसके दोस्त बने हो तो बच्चा फिर जो है वो उनमें इन्वॉल्व रहता है तो इसलिए वो बच्चा इस पेनफुल पेनफुलत में है एक तो वो बीमार है और दूसरा उसके ऊपर जो मुख्तु किस्म की रिस्फिक्शंस लगाई गई हैं मिसेस डी रोग जो उसे घर से नहीं निकलने देती या यूँ कह लीजिए कि उसे टॉन्ट करती है और उसे हुक्म चलाती रहती है उसके ऊपर कि ये करना है ये नहीं करना वो नहीं करना इस तरह की बातें उसे करती रहती है तो इस पेनफुल पेनफुलत से वो निकलना चाहता है उसके जुल्म से वो छुटकारा पाना चाहता है और इसके लिए वो अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेता है बेचारा एक सवाल तो ये हो गया दूसरा सवाल जो है इसी तरह का मिलता हुआ ये सवाल आया और ये समटाइम्स इस तरह की बातें हमारी हाँ, रियल लाइफ में भी हो जाती हैं रियल लाइफ में भी हो जाती हैं मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर द सेंट्रल थीम ऑफ शेडन वास्टर कहानी शेड एंड वास्टर का जो सेंट्रल थीम है मर्कजी थीम है इज़ द ट्राइम वो वो कामयाबी है ट्राइम का माना है सक्सेस वो कामयाबी है विक्ट्री है किसकी इमेजिनेशन के ऊपर रियलिटी कि इमेजिनेशन रियलिटी से जीत जाती है यानी इस कहानी में आप देखें तो रियलिटी के ऊपर भारी कौन सी चीज़ हो जाती है हावी कौन सी चीज़ है वो जनाब यहाँ पे दिखाया गया है कि रियलिटी के ऊपर इमेजिनेशन हावी है तो ये किस हवाले से हावी है ये मैं भी अभी आपको चल के बताता हूँ कि वो बच्चा जो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता है और इमेजिनेशन जो है किस तरह से विन ओवर कर जाती किस है किसके ऊपर रियलिटी के ऊपर हालाँकि ये भी आपको मैं आगे चल के थोड़ा सा जब हम डिस्कस करेंगे राइटर के सेंस में बात करना चाहता हूँ तो फिर आपको और बड़े बात क्लियर होगी आइए हम इसका क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं तो एक तो इम्तहान में सवाल ये भी आता है कि इस कहानी का थीम क्या है तो ये सवाल आपके दरअसल दो तीन सवालों को बेटे क्या कर सकता है आ, कवर कर सकता है आप इस हवाले से ये भी जेहन में रखेगा कि आपसे दो से तीन सवाल जो हैं इससे आपके वो क्या हो जाएंगे वो कवर हो जाएंगे दो से तीन सवाल जो आपके इससे बेटे कवर होते हैं तो आइए देखते हैं एनी यूनिवर्सल आइडिया कोई भी यूनिवर्सल आइडिया दैट इज़ प्रजेंटेड जो पेश किया जाता है इन एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क किसी भी लिटरेरी या आर्टिस्टिक काम में आर्टिस्टिक वर्क में कोई भी यूनिवर्सल uh, आइडिया ऐसे आइडिया जिसको दुनिया माने यूनिवर्सल आइडिया दैट इज़ प्रजेंटेड इन एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इज़ कॉल्ड थीम उसे थीम कहते हैं थीम इज़ एन एंटाइटल पार्ट और थीम ज़रूरी हिस्सा होता है लाजमी हिस्सा होता है ऑफ एनी फिक्शन किसी भी अफसाने का द रिडेंस ड्रा और थीम्स और पढ़ने वाले जो वो थीम को ड्रा आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज़ उन आइडियाज़ की बुनियाद पर उस फिक्शन में पेश किए जाते हैं जो कि उस फिक्शन में पेश किए जाते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसको मज़ीद भी देखते हैं तो एक मिनट सर स्टूडेंट्स मैं इजी हो लो आपके लिए एक मिनट सो so, uh, मसला अब यहाँ पे इस कहानी का जो थीम है वो एक तो डोमिनेशन का थीम है यानी इसके अंदर कहानी के अंदर डोमिनेशन पाया जाता है यानी वो मोहतरमा डोमिनेट करती है उसके ऊपर रिवेंज का थीम पाया जाता है और बदला भी जारी बात है बच्चा बदला लेना चाहता है बदला उसने लिया भी श्वेडी मास्टर के थ्रू यू सवाले से बात करेंगे हेल्पलेसनेस और बेबसी की बात भी है कि बच्चा बेबस है ये भी इसका एक थीम है और सबसे इम्पॉटेंट थीम जो कि हमारे क्वेश्चन जो है जिसके बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है ट्राइंग ऑफ यानी विक्ट्री को दिखाया गया इमेजिनेशन की ओवर रियलिटी पर कि इसमें इमेजिनेशन जीत गई जो कुछ बच्चे के जहन में था ना कि इस डी रोब के साथ ऐसा हो जाए और ये जो न्यौला है यानी जो फैरट है वो जो उसका जिसको उसने खुदा का दर्जा दे रखा है एक जानवर को उसने खुदा का दर्जा दे रखा है और उसने इमेजिनेशन के अंदर उसको इतना चाहा है और एक तरह से जैसे वो हिंदी में कहते ना कि इस तरह की ऐसे इतनी प्रार्थना उसकी की है यकीन माने कि उसको इतना उसने अहमियत दे रखी है कि वो जो कुछ भी सोचता है ना वैसा ही हो जाता है ये है इमेजिनेशन यहाँ भी इमेजिनेशन ओवर रियलिटी से मरा दिया कि रियलिटी में ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक फ्लैलेट के हाथों एक न्योले के हाथों मिसेस डी रोब जो है वो मर जाए उसको मौत आ जाए और वो उसे मार दे उसकी किलिंग कर दे ये रियलिटी में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है लेकिन देखें कि इमेजिनेशन उसके अंदर वो इतनी पावरफुल इमेजिनेशन उसकी इस लिहाज से हो गई कि वो हो गया जिसके हम तो नहीं कर सकते जो कि हकीकत में वैसे मुमकिन नहीं होता है तो रियलिटी आर द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ द स्टोरी श्रेडी वास्टियर सकी द राइटर ऑफ द स्टोरी सकी जो इस कहानी का राइटर हैज प्रजेंटेड द थीम ऑफ ट्राइम उसने फतेह के थीम को बयान किया है ओवर रियलिटी रियलिटी पर थ्रू द करैक्टर ऑफ कॉनरेडन कॉन रेडन के किरदार के जरिए हु इज़ अ टेन ईयर्स ओल्ड जो कि दस साल का बीमार ये मैंने उसके एडजेक्टिव लिखे हैं एक तो वो दस साल का बीमार है ईलिंग है और ओप्रेस्ड चाइल्ड और दबा के रखा गया ये भी एडजेक्टिव है चाइल्ड की ये सिफ्त है या क्या है कि वो बच्चा ओप्रेस्ड वो है उसे दबा के रखा गया प्रेशर हैसेज बनाने पे मजबूर है कॉरेडन वॉज फोर्सिडन मजबूर था टू तो लिव अंडर कजन अपने कजन के कंट्रोल में रहने के लिए एंड गार्डियन मिसेस डी रोप शी वाज वेरी डोमिनेटिंग वो बड़ी डोमिनेटिंग थी बड़ी गलबा गालब, पाकर रखने वाली खातून थी इनफ्लैक्सीबल गैर लचकदार थी एन अथॉरिटेट और रूपदार खातून थी टर्ड्स कॉन्डेडन कॉन्डेडन के वाले से हु डिजर्वड हिज अफेक्शन जो कि दरअसल उसकी तवज्जो का सॉरी उसकी मोहब्बत का मस्तक था एंड केयर का ड्यूरिंग हिज़ इनक्योरेबल डिजीज़ अपने ला इलाज मर्ज के दौरान क्योंकि तो डॉक्टरों ने मैंने आपको बताया ना कि एक डॉक्टर ने ये एक पेशा बनाना राय दी थी कि ये बच्चा पाँच साल भी नहीं निकालेगा यानी नि उस बच्चे के हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं कि कहानी के अंदर ये बताया गया कि वो पाँच साल का दुरानिया भी शायद ना निकाल पाए तो इंस्टेट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एम उसकी केयर करने की के बजाय से स्नैट इज़ बेसिक फ्रीडम उसने उसकी बुनियादी फ्रीडम को ही गसफब किया हुआ है छीना हुआ है स्नैच किया हुआ है कॉन्डाटन हेटेड हर डेस्परेटली और कॉन्डेडन बदले में उसे शिद्दत से नफरत करता था एंड इट वॉज ड्यू टू हर हार्स ट्रीटमेंट और उसकी वजह क्या थी उस मिसेज डी रोब का हार्श ट्रीटमेंट है श्याल और प्रेस में हमेशा उसे दबा के रखती है शयाल विज इंटरप्टिड व हमेशा उसे रोकती टोकती इंटरप्शन करती है इस एक्शन में एंड फ्री मोमेंट्स में कॉरेडर डि वाइकते और वो सच इंटरप्शन को पसंद नहीं करता था ऐसे दखल अंदाजियों को ऐसे रोक टोक को वो पसंद नहीं करता था कॉरिडर प्लस टू वेलेबल थिंग इसकी वजह यह है कि कॉरेडर के पास दो कीमती चीज़ें आ गई कहीं से स्मगल हुई से मिल गई या कहानी के अंदर तो यही बताया गया है कि घर के साथ मलेका एक बागीचे में एक वैरान से टूल शेड में टूल शेड होता है वो औजार वगैरह जो स्टोर हाउस होता है वहाँ जब चीज़ रखने के लिए जो कमरा इस्तेमाल किया जाता है निगलैक्टेड पोर्शन ऑफ द हाउस है ये फरामोश किया हुआ घर का ये इलाका एरिया था ये पोर्शन था उसमें दो चीज़ें उसने रखी हुई थी वेलेबल थिंग जो उसे बहुत कीमती थी इन द टूल शेड ऑफ द और टूल शेड में क्या वो दो चीज़ें थी यहाँ पे स्टूडेंट साहब ना यहाँ पे आप लंबी डैश थोड़ी सी लगा लीजिएगा दो चीज़ें थी टूल सेट में वो दो चीज़ें क्या थी अ रैग्ड प्लूमेग हाउडन हैन एक तो हाउडन नस्ल की कलगी वाली मुर्गी थी हाउडन हैन थी और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए मुर्गी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेटे अ लार्ज पोल कैट फैरट एक बड़ा पोल कैट फैरट ये फैरट मैंने आपको बताया था मैन गूज यानी न्योले की नस्ल का उसकी किस्म का एक जानवर है उस फैमिली से बिलोंग करता है इन द हच उस केज में उस पिंजरे में कॉन्डेंट शोड मच एफेक्शन फॉर द हैन और मुर्गी के साथ उसे काफ़ी लगाव था लेकिन उससे भी ज़्यादा लगाव बट हेज़ अटैचमेंट वि फेरेट लेकिन उस न्योले के साथ उसकी जो फैरेट के साथ जो अटैचमेंट थी वाज सुप्रीम वो सबसे आला थी सबसे बढ़िया थी थ्रू द फैरेट इस फेरेट दो सॉरी दो द फेरेट अगर जी फेरेट जो था वेशियस खून ख़ार था मैंने आपको बताया ना कि ये फैरेट जो होते हैं ये बड़े फरोशियस होते हैं लास्ट वीडियो में मैंने उनको बताया और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैरड जो होते हैं ना इनके नोकेले दांत होते हैं और जिससे ये दूसरे जानवरों को नोचते हैं टीर ऑफ करते हैं उनका फ्लैश गोश्त नोचते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि लचकीले बदन वाला यानी फ्लैक्सीबल बॉडी वाला जो होता है इसके अंदर स्टैमना बहुत होता है और स्टैमना इतना ज़्यादा होता है कि ये दूसरे जानवर को खपा खपा के और अटैक कर करके ये अक्सर सांप और न्योले की लड़ाई आपने देखी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक फिज़िकली अजाइल एक फ्लैक्सीबल फ्लैक्सिकल फ्लैक्सी बल बॉडी का हमल ये होता है और साथ ही साथ बेटे इसमें ये भी आप नोट करें कि उसके जो अंदर स्टैमिना है ना मुड़ मुड़ के हमला करने की अटैक करने की जो सलाहियत है फिर ऊपर से जो उसके अंदर जो फुर्ती होती है इसकी बुनियाद पर यह फैर जो है ये फेरोशियस कहलाता है और शायद इसी वजह से इन खसूसियात की वजह से उसने मिसेस डी रोब की किलिंग भी की होगी एंड डेट फुल जेट की बिगेन टू आइडियालाइज देरेड को आडेलाइज करना शुरू कर दिया उसे उसने अपना एक, एक आइडियल बनाया हुआ था और आइडियल इस हद हाँ तक अपने इमेजिनेशन के अंदर बनाया कि इमेजिनेशन के अंदर उसने जो कुछ सोचा वो हो के हो रह गया है रेगुलर विजिटर टूल शेडर टूल शेड का एक रेगुलर विजिटर था बट वैन मिसिस डी रोम लेकिन जब मिसिस डी रो को पता चला ऑफिस इन्वॉलमेंट कि वो इन्वॉल्व होता है बड़ा मुलवस होता है इन द टूल टूल शेड में शीप पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिज विजिट टू दैट प्लाइस तो उसने उसकी उस जगह पर जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी रेस्ट्रिक्शन लगा दी बटन रेड कैप्टन बिस्टिंग द टूलटली लेकिन वो चोरी छुपे वहाँ पे जाता रहता हीस बहुत डिप्रेशन में था एट हार्स ट्रीटमेंट उसके सख्त रवैया की वजह से मिसेज डी रोप हीस बेबाज था ही डिन नॉट टेक इंटरेस्ट इन द चर्च सर्विसज और वो चर्च से लेके जाती थी तो इंपॉर्टेंट बात है कि वो चर्च में जाके के उसके चर्च की जो सर्विस होती है ना वहाँ पे जो प्रेयर्स वगैरह होती है उसके अंदर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होता था दिलचस्पी नहीं लेता था क्यों क्योंकि मिसेज डी रोब को वो एक दोगली औरत समझता है कि यहाँ पर कितनी वो नेक बनी हुई है और घर में उसके साथ वो कैसे बुरा सलूक किए हुए है तो इसलिए वो चर्च की सर्विसज़ को इतनी अहमियत भी नहीं देता था बल्कि मिसेज़ डी रोब के इस तरह के अमल को वो पसंदीदा की पसंदीदगी की निगाह से भी नहीं देखता था बल्कि उसने अपना ही एक कह लो कि एक खुदा बना लिया हुआ था उसने उस न्योले को अपना खुदा बनाया हुआ था जिसके पास वो जाके के जंगले के सामने खामोशी के आल में खड़ा रहता और अक्सर तो वो दुआएँ करने लग गया था कि मेरा एक काम कर दीजिए मेरी जान छुड़ा दीजिए किसी मिसिज़ डी रोप से क्योंकि उसका कोई ह्यूमन फ्रेंड तो था नहीं जिससे वो शेयर कर सकता अपने इस बेबसी को और अपने इस दबाए जाने के अमल को वेन विस इज डी रोप टोका टू द चर्च फॉर प्रेयर कॉन्डेडेंट कॉल्ड गार ग्डियंस चर्च सर्विसिस और वो अपनी गार्डियन की यानी अपनी वो जो गार्डियन थी ना उसकी डी रोप उसके जो चर्च सर्विसज उसको वो क्या कहता था एन एलियन right. रही कोई अजनबी किस्म की रसूमा अदा करती है इन द हाउस ऑफ रिमन इस देवता के घर में या इस मुकदस घर में तो इस मुकद्दस घर में वो एलियन रो है वो कहता है ये अदा करती है पता नहीं ये क्या करती है इसलिए उसको वो एलियन कहता है एलियन हिम टोटली ऑब्जॉर्ब इन इज ऑन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन बल्कि वो वहाँ खड़ा खड़ा उस अबादतगाह में भी अपनी इमेजिनेशन में को ही सोचता रहता रादर बल्कि वो हर जुमरात के जुमरात को ही वर्शिप द फैरेड वो फेरेड के जाकर जैसे बंदा पूजा करता है उसको वर्शिपिंग करता बिकॉज यू कंसीडर्ड एम जस्ट लाइक ए गॉड क्योंकि वो उसे खुदा की मनन समझने लग गया था एन एज एमेजिनेशन अपने तखियल में द फ्रोश फेरेड हेट बिकम ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड होप उसके लिए उसके तस्वर में वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और होप बन चुका था अच्छा हमने ना अक्सर स्टूडेंट्स से ये सुना होगा यकिन कामल हैं तो यकीन कामल हो ना और जौ़ यकीन हो किसी भी चीज़ पे तो ये एक थ्योरी जैसे हम एक साइकोलॉजिकल हम देखते हैं साइकोलॉजिकली तो वो चीज़ हो ही जाती है तो हम आमतौर पे इस तरह की चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करते लेकिन राइटर ने भी ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह जौक़ यक़ीन उसका बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर उस न्योले पर श्रेडी वास्टर पर वो सब कुछ हो गया उसके लिए तो इन इमेजिनेशन कॉन्ड आई बिलीव दैट श्रेडि वास्टर जो कि उसके लिए हीन गॉड ऑफ वायलेंस था हीदन गॉड का मतलब कि काफ़र खुदा था सारी बात है ऑफ वैसे तो ये अमल काफराना ही है सारी बात है का अमल ही है तो वायलेंस वाला देवता उसे वो करार देता था वो टेक रवेंच फ्रॉम मिस इज डी रोब और वो ये सोच में बढ़ गया कि वो मिस इस डी रोब से बदला लेगा ऑन इस बिहाफ उसके बिहाफ पर हि याफन मरमड और अक्सर वो उसके पिंजरे के सामने हच के सामने आके ये लफ्ज बुड़बड़ाता डू वन थिंग फॉर मी शर्टी वास्टर मेरे लिए एक काम कर दीजिए शर्टी वास्टर यानी उस न्योले के सामने आकर वो जैसे बंदा दुआई दे रहा होता है एक कह लो कि एक जैसे एक आबादत करने वाले अंदाज में खामोश खमोश दवाएँ जैसे बंदा मांगता है तो वो जैसे उसके सामने उसने वो दुआएँ मांगी हालांकि न्योले का Uh, क्या तल्लक इस चीज़ से नॉले को क्या पता इस बच्चे की लाइफ का नॉले को क्या पता कि उस पैरड को क्या पता कि ये बच्चा जो है कितना मजबूर है कितना ओप्रेसड है वो तो एक फ्रोश एनिमल है उसे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता लेकिन बहरहाल चूंकि लड़के की एक्टिव इमेजिनेशन इस्तेमाल हो रही है तो लड़का अपने इमेजिनेशन में उसे एक बुलंद मुकाम दिए हुए हैं तो ये हो गया बस इवेंचुअली इन एजेज इमेजिनेटिव इन एज एमेजिनेटिव एंड स्टाइल एंड प्लेयर्स वो अपने तखीलाती और खामोश ख़मोशमोश दुआओं में जो याद करता था वो दुआए कबूल हो गई वर एक्सेप्टेड वन डे और एक दिन जब मिसेस डी रूप जो है वो उस न्योले को वहाँ से मूव करने के लिए गई एवेंचुअली हेज इमेजन यही हो शी वेंट टू द टूल शेड वो टूल शड में गई टू रिमूव द फेरेट ऑल्सो उस नोले को भी हटाने के लिए फेरेड को हटाने के लिए एडवास कॉर्डिडन वास, वास मच जैसे पहले तो बड़ा मायूस हुआ कि शायद आज जैसे उसने मुर्गी को तल्फ कर दिया था यहाँ पर वो न्योले को भी यहाँ से मूव कर देगी लेकिन उसके एक्टिव इमेजिनेशन काम कर गई और उसने देखा कि वो कुछ होगा जो वो इमेजिनेशन के अंदर वो सोचता था बट ओनी हर्ड द न्यूज़ ऑफ मिसिस डी रोप किलिंग उसने मिसिस डी रोप की किलिंग की खबर को सुन लिया एट द हैंड्स ऑफ़ द फैरेट फैरड के हाथों तो फैरड के हाथों तो वो मर गया फैरेट ने उसकी किलिंग कर दी हालांकि लगता नहीं है मैं आपको बता दूँ एंडिंग ऐसी लगती नहीं है कि एक फैरेड के हाथों जब वो इस तरह अटैकिंग होने की वजह से हमला होने की वजह से मर गई हो पे हम देखते हैं इमेजिनेशन फता, फता की रियलिटी पर मेड लाउडली अनाउंसेस और जब उस मेड ने अनएक्सपेक्टेड डिज उसकी डी रोप की अचानक और गर्म तो मौत की खबर इन द टूल टूल शेड में वो भी किसके आता हूँ न्योले करता हूँ तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी